हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज चलेंगे मोटो ब्लॉगिंग के लिए, वो भी मेरे BMW बाइसाइकिल में। तो चलिए एक ही बार चलते हैं। अब फर्स्ट टाइम मैं मोटो ब्लॉग करूंगा। बस मेरे पास GoPro नहीं है, कुछ नहीं है, यही मोबाइल का कैमरा, इसी से मैं करूंगा। तो आप लोग देखिए और इन्जॉय कीजिए। यार गाइस, बहुत ही ठंड है, आप देख सकते हैं पीछे कितना सारा फॉग। बहुत ही मज़ा आ रहा है सुबह सुबह। फर्स्ट टाइम यार ऐसे मोटो ब्लॉगिंग कर रहा हूँ, आप लोग प्यार दिखाइएगा। गाइस आप देख सकते हैं, अभी फिलहाल मैं हूँ हसीमारा में। तो यहाँ से मैं अभी निकल रहा हूँ। अब कहाँ निकलूंगा, आप लोग ऐसी वीडियो में एंड तक बने रहिए। सो आप देख सकते हैं हम लोग पेट्रोल पंप होके जा रहे हैं, बट मुझे पेट्रोल नहीं भराना है BMW में, क्योंकि मैं इसका इंजन हूँ, मुझ में पेट्रोल डलता है। तो एक ही बार मैं यहाँ पे नहीं रुक के सीधा चलता हूँ आगे। तो ये हम लोग हाईवे पहुँच गए हैं, बट हम लोग राइट तरफ नहीं जाएंगे, क्योंकि राइट तरफ है जाएगा भूटान। तो हम लोग लेफ्ट तरफ जाएंगे बीरपड़ा साइड में। तो चलिए हम लोग लेफ्ट को निकलते हैं। तो हम लोग लेफ्ट ले लिए और आप देख सकते हैं ये है हाईवे, और यहाँ पे अभी फिलहाल ट्रक वगैरह सब चल रहा है, और मैं फर्स्ट टाइम ऐसे निकला हूँ बाइसाइकिल में। फिर भी बहुत ही मजा आ रहा है ऐसा सुबह सुबह निकलना, घूमना, जॉगिंग करना, रनिंग करना, वॉकिंग करना, बहुत ही अच्छा है हेल्थ के लिए। तो मुझे तो ऐसा बहुत ही अच्छा लगता है, हेल्थ से कोई भी चीज जुड़ा हो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो देख सकते हैं गाइस, सूरज भी निकल गया और अभी थोड़ा गर्मी होना स्टार्ट शुरू हो गया। गर्मी तो क्या बोलूं, मैं तो इसे चला के आ रहा हूं तो मुझ में ही पावर लग रहा है, तो मुझे तो ऐसे ही गर्मी लग ही रहा था। तो हाँ गाइस, इस हाईवे को बोलते हैं डुअर्स का एशियन हाईवे, और बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे सॉन्ग वगैरह मूवी वगैरह बनते ही रहता है, और जितना भी हम लोग का लड़का लड़की सब है यहाँ पे रील्स बनाते ही रहते हैं। मैं भी एक बनाया हूँ, चेक कीजिएगा। तो इस तरफ है हम लोग का टी गार्डन, और बहुत ही प्यारा लग रहा है, सुंदर लग रहा है, और ठीक से नहीं दिखाई दे रहा होगा क्योंकि अभी सूरज निकल रहा है, इसीलिए ठीक से नहीं दिखाई दे रहा है। तो इस तरफ से गाड़ी वगैरह इधर आती है और इधर से जाते हैं। तो मैं भी अभी इस रास्ते पे जाता हूँ, देखता हूँ आगे, थोड़ा पहुंच के आता हूँ आप लोगों को ब्यूटीफुल प्लेस सुबह सुबह का दिखा के आता हूँ। तो आप लोग भी ऐसी वीडियो में बने रहिए, मजा ही आ रहा है यार। ये हाईवे में फ्रेंड सबके साथ में आते थे, बाइक में एंजॉय करते थे, फोटो वगैरह लेते थे, रील्स वगैरह बनाते थे। बहुत ही मतलब पुराना दिन याद आ रहा है, बट अभी क्या करो, फिलहाल अभी फ्रेंड भी नहीं है, फ्रेंड भी बाहर गया हुआ है, इसीलिए आज मैं मॉर्निंग मॉर्निंग अकेले ही निकल पड़ा। हाँ मुझे तो मॉर्निंग उठना बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए बस उठ गया, साइकिल पकड़ा। मोटो ब्लॉगिंग करने का बहुत टाइम से मन था, तो चलो आज यार साइकिल है, साइकिल में भी तो मोटो ब्लॉगिंग किया जा सकता है, बोल के बस निकल गया। इसी दूर गाइस बस पहुंचने ही वाले हैं वो ब्यूटीफुल प्लेस, तो मैं आप लोगों को अभी चेक कराता हूँ। गाइस मैं यही प्लेस के बारे में बात कर रहा था, यही ब्यूटीफुल प्लेस के बारे में बात कर रहा था। यार मुझे तो ब्यूटीफुल लगता ही है, तो आप लोग भी देखिए, आप लोगों को मैं सिनेमेटिक क्लिप दिखाता हूँ, आप लोग भी देखिए और कमेंट कीजिए आप लोगों को कैसा लगा। जो ये रिवर है इसे बोलते हैं तुरसा रिवर, और यहाँ पे सामने रेल ब्रिज भी है, दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। और ये नदी में जो पानी आ रहा है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये इंटरनेशनल कंट्री से आ रहा है, फॉरेन से आ रहा है। इंटरनेशनल कंट्री भूटान से आ रहा है, तो वो तो फॉरेन ही हुआ ना, हम लोगों का फॉरेन यहाँ पे हम लोग के बगल में ही है, तो ये हम लोग का इंटरनेशनल कंट्री भूटान से होकर आ रही है ये। सो गाइस मैं और इससे आगे नहीं जाऊँगा उधर पर, क्योंकि मैं बहुत ही टायर्ड हो गया हूँ, तो यहीं से मैं अभी निकलता हूँ घर के लिए। तो आप लोग ऐसे ही मेरे चैनल में बने रहिएगा, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।